हेलो दोस्तों, मैं हूं दीपक एलपी। स्वागत है आपका दीपक एडटेक में। तो दोस्तों, आरबी एनटीपीसी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है और जिनका जिनका सिलेक्शन हुआ है आरबी एनटीपीसी में, वे सभी डॉक्यूमेंट रेडी करने में लगे हुए होंगे। मेरे वीडियो में कमेंट आ रहे हैं कि ओबीसी इनिशियल सर्टिफिकेट कैसे बनवाएंगे। कमेंट नहीं आते फिर भी मैं बताता वीडियो बना के, क्योंकि व्यू तो चाहिए ही। तो चलिए देखते हैं कि रेलवे में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के लिए रेलवे के फॉर्मेट में ओबीसी इनिशियल सर्टिफिकेट कैसे बनवाते हैं। तो आप डायरेक्ट रेलवे के फॉर्मेट में ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट नहीं बनवा सकते हैं। सबसे पहले आपको ऑनलाइन बनवाना पड़ेगा। जैसे हमारे यूपी में जो सहज जनसेवा केंद्र या कॉमन सर्विस सेंटर होते हैं, वहां से बन जाता है आपका ऑनलाइन ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट। इसके अलावा मध्य प्रदेश में होते हैं एमपी ऑनलाइन वाले होते हैं, वो आपका ऑनलाइन बनवा देंगे आपका ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट। ऐसे ही सभी स्टेट में बनते होंगे ऑनलाइन ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट, ये तो आपको पता ही होगा। नहीं पता है तो आप जाके साइबर कैफे वालों से पता कर सकते हैं, वो आपका ऑनलाइन ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट बनवा देंगे। लेकिन ये दो तरीके का बनता है, एक स्टेट गवर्नमेंट का और एक सेंट्रल गवर्नमेंट का। चूंकि रेलवे क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन है, इसलिए आपको सेंट्रल सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा ओबीसी एनसीएल का। तो आप कैसे पहचानेंगे कि जो मेरा ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट है वह सेंट्रल गवर्नमेंट का है कि स्टेट गवर्नमेंट का है? तो देखिए, आप जिस भी स्टेट से बनवाएंगे, ये देखिए, ये ओबीसी का एनसीएल सर्टिफिकेट है सेंट्रल गवर्नमेंट का। तो इसमें देखिए, मैं उत्तर प्रदेश का हूं, तो उत्तर प्रदेश में ही सहज जन सेवा केंद्र से बनवाया था। तो इसमें ऊपर देखिए उत्तर प्रदेश शासन लिखा हुआ है। ऐसे ही आप किसी भी स्टेट से बनवाएंगे, उस स्टेट लिखा रहेगा। जैसे बिहार से बनवाएंगे तो बिहार शासन, मध्य प्रदेश से बनवाएंगे तो मध्य प्रदेश शासन, ये तो लिखा रहेगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये आप स्टेट वाला बनवाएंगे तब भी ऐसा लिखा रहेगा, सेंट्रल वाला बनवाएंगे तब भी ऐसा लिखा रहेगा। लेकिन नीचे जो लिखा है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यहाँ पे आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा होना चाहिए। यही यदि सर्टिफिकेट ये स्टेट का होता, ये ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट अगर स्टेट का होता तो यहाँ पे लिखा होता गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश, या आपका जो भी स्टेट है वो लिखा रहेगा गवर्नमेंट ऑफ बिहार, गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश, गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़, गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड, ये लिखा रहेगा। लेकिन यदि आपका सेंट्रल का रहेगा ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट, तो वहाँ पे लिखा रहेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसका ध्यान रखना है, जिसपे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा रहेगा वही क्या है, आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट है। एक बार जब ये बन के आ जाए, उसके बाद आपको क्या करना है, रेलवे का जो ये वाला फॉर्मेट है, ये नोटिफिकेशन में दिया हुआ है, इसे डाउनलोड करना है। डाउनलोड करके इसमें जो भी डिटेल है, आपका नाम, आपके पापा का नाम और आपका जो कैटेगरी है, वो इसमें भर देना है। और इसी फॉर्मेट पे भरने के बाद आवेदन क्रमांक और प्रमाण पत्र क्रमांक पेन से ही लिख देना है। और ये आपको कहाँ से मिलेगा, जो आप ऑनलाइन सर्टिफिकेट बनवाए हैं ओबीसी एनसीएल का, सेम वही प्रमाण पत्र क्रमांक और आवेदन क्रमांक लिख देना है। और डेट ऑफ इशू भी वही लिख देना है जो आपका उसमें दिया हुआ है, इसमें जो ऑनलाइन आपने बनवाया है ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट, उसी से देख के लिख लेना है। प्रमाण पत्र क्रमांक, आवेदन क्रमांक और डेट ऑफ इशू, मतलब किस डेट को आपका जारी हुआ है, ये तीन चीज आपको करना है। उसके बाद आपको जाना है तहसीलदार या उससे अपर क्लास के अधिकारी के पास, जैसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास जा सकते हैं। तो आप तहसीलदार के पास जाइएगा, जो एसडीएम होता है या तहसीलदार होता है, उनके पास जाना है और उनको जो ऑनलाइन वाला जो आपका ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट है, उसी को दिखा के जो रेलवे का फॉर्मेट आप खुद से भर के ले गए हैं, उस पर साइन करवा लेना है और मुहर लगवा लेना है। ऐसे आपका ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट रेलवे के फॉर्मेट में रेडी हो जाएगा। मैंने बिल्कुल ऐसे ही किया था। और जो रेलवे का फॉर्मेट है, उस पेज पे वो कहीं भी साइन कर सकते हैं तहसीलदार, ऐसा नहीं कि जहां जगह दिया वहीं करना है, उस पेज पे कहीं भी होना चाहिए और मुहर भी कहीं भी होना चाहिए, वो चल जाएगा। तो ऐसे आप ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। पहले आपको ऑनलाइन बनवाना है, फिर उसी को दिखा के तहसीलदार का मुहर और साइन लगवा लेना है और आपका ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट रेडी है, आप उसे लेके जा सकते हैं। और आपका जो ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट जो ऑनलाइन बनवाए हैं, वह 1 साल से पुराना नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। और ऐसा भी होता है, बहुत लोग फॉर्म भरते समय कैटेगरी की जगह अपना सरनेम डाल देते हैं, जैसे मैं कोयरी हूं लेकिन मैं कुशवाहा डाल दिया था, तो इससे कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। आपके सर्टिफिकेट पे बस लिखा होना चाहिए कि आप ओबीसी एनसीएल में आते हैं, तो इतना करके आपको ले जाना है। इसके अलावा जो ओबीसी एनसीएल वाले कैंडिडेट हैं, उनको एक और ले जाना है, डिक्लेरेशन फॉर्म ले जाना है। यह भी आपको नोटिफिकेशन से ही मिल जाएगा। जो प्रोफार्मा आपका ओबीसी एनसीएल वाला है, उसके जस्ट नीचे वाला पेज आपका डिक्लेरेशन है, इसमें आपको खुद से भर देना है अपना नाम, पापा का नाम और जो भी इसमें दिया हुआ है, भर देना है और खुद से ही साइन मार देना है, ये सेल्फ अटेस्टेड करके ले जाना है। तो आपका ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट क्या हो जाएगा, रेडी हो जाएगा, ये दोनों ले जाना है और आपका डीबी में कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो चलिए, मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा कि ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट कैसे बनवाते हैं। अगले वीडियो में हम जानेंगे कि एससी एसटी सर्टिफिकेट कैसे बनवाते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।